हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज हम बनाएंगे पंजाबी कढ़ी। तो पंजाबी कढ़ी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है एक बार आप देख लीजिए। एक कप बेसन, करी पत्ता 6-7, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, मेथी के दाने 1 छोटी चम्मच, राई 1 छोटी चम्मच, 3-4 खड़ी लाल मिर्च, हींग 1 छोटी चम्मच जाएगी, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक स्वादानुसार 1 बड़ा चम्मच, देसी घी, दही 1 कप, पानी 1 कप। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम लेंगे बाउल और इसमें डाल दूंगी मैं बेसन। तो ये मैंने बेसन डाला है पकौड़ी बनाने के लिए और थोड़ा बेसन हम बचा लेंगे जो कि कढ़ी में जाएगा हमारे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल जरा सी ये मैंने हल्दी डाल दी है। खाने वाला सोडा आप थोड़ा सा डालेंगे, पिंच ऑफ। खाने वाला सोडा ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। और पहले हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर हल्का हल्का पानी डाल करके, ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, पकौड़ी के लिए बना रहे हैं घोल, तो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा। तो ये मैं रेडी कर दे रही हूँ। तो ये मेरा बैटर रेडी हो गया है और एक भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए इसमें। तो ये मैंने बिल्कुल स्मूथ रेडी कर दिया, इसे आप देख सकते हैं। कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है और ये गरम हो गया है, तो हम एकदम छोटी छोटी पकौड़ी इस तरीके से ड्रॉप करेंगे कढ़ाई में। ये अपने आप बड़ी हो जाती हैं और आप देख सकते हैं मैंने पकौड़ियाँ सब डाल दी हैं और इसको धीरे धीरे पलट लेंगे क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हैं। और अगर आप खाने वाला सोडा डालते हैं तो उससे आपकी पकौड़ी सॉफ्ट भी बनती है और फूलती भी है। तो सोडा को ऑप्शनल मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई लोग सोडा नहीं डालते हैं, खाने वाला सोडा बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शनल है। आप लोग डालना चाहें तो, अगर आप डालेंगे सोडा तो आपकी बहुत सॉफ्ट बनेगी पकौड़ी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने आप फूलेंगी भी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने छोटी छोटी डाली थी और कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। और हमारी ये पकौड़ी हो गई है रेडी, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब हम इसी बाउल में फिर से बेसन को फेटेंगे। ये मैंने बेसन डाल दिया है और ये पूरा दही डाल दूंगी मैं। पूरा ये इस तरीके से मैंने दही डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी डलेगा इसमें एंड सॉल्ट। सॉल्ट आपका बाद में भी जाएगा बट अभी फेंटने के लिए इतना सॉल्ट काफी है। ये देखिए मैंने फेंट लिया है, इसी में मैं पानी और पूरा डाल देती हूँ अपना। और एक बार इसको अच्छे से चला दिया मैंने। और मैंने ये पैन ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी देसी घी। तो ये मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें खड़े लाल मिर्च, मेथी के दाने, राई, करी पत्ता, कढ़ी। इसको चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना आए बिल्कुल भी। ये मैंने चलाते रहना इस तरीके से।
तो ये मैंने पानी और डाल दिया है, इसको गाढ़ा होने देंगे अच्छे से। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हींग, इतनी सी लाल मिर्च। अब हम इसे कवर कर देंगे इससे लिड से और हर 5 मिनट में इसको चलाते रहेंगे। और उसके बाद जब ये पक जाएगी हमारी, जैसे इसमें बॉयल्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 बार हमें इसका देखना है कि कितनी बार बॉयल्ड आ रहा है, तो कम से कम 10-12 बार आप इसे बॉयल करेंगे। और जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता है हमारे बेसन का, तब तक हमें इसे पकाना है। तो कम से कम 15 मिनट तो आप मान के चलिए। तो मैंने इसको फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और लिड से इसको कवर कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वेट करते हैं 15 मिनट्स का। और ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और हमारी कढ़ी का कलर भी चेंज हो रहा है। इसको ऐसे ही हर 10 मिनट में हम लोग को 5 मिनट में देखते रहना है और 15 मिनट्स तक इन्हें पकाना है। ठीक फ्रेंड्स, ये बॉयल आ रहा है, इतना ज़्यादा बॉयलिंग आ गया जबकि मैंने मीडियम फ्लेम में रखा था। इस तरीके से हमें बीच बीच में ऐसे ही चेक करते रहना है। तो हमारी कढ़ी पक के एकदम रेडी हो गई है। कढ़ी में पकौड़ी तभी डालिए जब आपको खाना हो। तो अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। इस तरीके ये मैंने पकौड़ी डाल दी हैं और इसे अच्छे से चला देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही कढ़ी हमारी। ये मैंने घी डाल दिया है इसमें, आप देख सकते हैं। और अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो ये मैंने डाल दी है लाल मिर्च, राई के दाने मैंने डाल दिया इसमें, नीम करी पत्ता, तो चलिए फ्रेंड्स तड़का भी लग गया है। और अब हम इस कढ़ी को निकाल लेते हैं एक बाउल में और अब हम इसमें डालेंगे अपना तड़का। आपकी ये पंजाबी कढ़ी रेडी है और अगर आपको हमारी बनाई हुई ये पंजाबी कढ़ी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।